वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भेजे गए खत के मंदरजात सामने आ गए। इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से खुसूसी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने धमकी अमेज खत के चंद मंदरजात सहाफियों के साथ शेयर की। खत के मंदरजात में लिखा गया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान नतायज भुगतने के लिए तैयार रहे। मुतवक्के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नई हुकूमत का प्लान बता दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत में आते ही अवाम को बड़ा रिलीफ पैकेज देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी देखते हुए मुतवक्के नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत में आते ही किसी से सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। चीन में मुनक़दा अफगानिस्तान के हमसाए ममालिक के तीसरे इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के साथ मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक अदम एतमाद से कबल ही पंजाब हुकूमत का धड़न तख्ता हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। तहरीक अदम एतमाद से कबल ही हुकूमत ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दे दी। कल तक वसीम अकरम प्लस समझे जाने वाले आज वसीम अकरम माइनस हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर रहनुमा फैसल वाडा ने दावा किया है कि इमरान खान की जान को खतरा है, इन्हें कत्ल की भी धमकियां दी गई हैं। फैसल वाडा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कत्ल की धमकी भी दी गई है, वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। फैसल वाडा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दलेर हैं, मुल्क का सौदा नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका। ऑलराउंडर मिचेल मार्शल इंजरी के बाइस वनडे सीरीज और वाहिद टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा नहीं होंगे।